जानुशी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज की सहरी में मैंने बनाया था चिकन पुलाव। किसी दिन मैं आपको ये वाली रेसिपी दूंगी। थोड़ा जल्दी में था, सहरी का टाइम था, तो मैं रेसिपी नहीं बना सकी। तो जल्दी आपको न्यू जानो, सहरी हो गई, देखो इधर, तो फिर सो रहे हो, नमाज पढ़ लो ना। अभी सुबह के बजे 6, तो नमाज हो चुकी है। यहाँ पे देखें बच्चे माशाल्लाह से बहुत ही माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा फ्रेंड्स, कुरान पढ़ रहे हैं यहाँ पे। जानशीन देखो इधर क्या कर रहे हैं, कैसा लग रहा है रोज़ा? बातें नहीं आ रहे, मुँह से बात ही नहीं आ रहे। रोज़ा लग रहा नहीं? नहीं लग रहा है, छींक आ गई। अभी कितना हुआ, कितना हुआ है वक्त, कितना हुआ है? 12:40। देखो ये लड़का, अभी से इसको रोज़ा लगना स्टार्ट हो चुका है। पता नहीं अभी दोस्तों, मैं 6 बजे उठ के अभी तक मैं नहीं सोया हूँ दोस्तों। क्यों नहीं सोया? नमाज के बाद, कुरान पढ़ने के बाद सोना था ना, क्यों नहीं सोया? नींद नहीं है, नींद नहीं है। अब आ रही लाइट से नींद है। अभी नमाज पढ़ के 1 बजे ओके नहीं सोगे? तो अभी क्या बनाओगे स्पेशल आज? कुछ भी नहीं बनाने का मन नहीं है। कुछ कैंडी वगैरह बनाने का बोल रहे थे ना, मूड चले गया। कुल्फी या कैंडी बनाओ? कल कुछ बनाने का प्रोग्राम था ना, हो गया प्रोग्राम? प्रोग्राम हो गया नहीं, अभी आज बना के दिखाओ। क्यों नहीं? मैं नहीं, वो बनाती अशरफिया बनाती। रुपिया बनाती नहीं, तुम ही बनाओ। नहीं, मैं इसका हेल्प करूँगा। ओके, दोनों मिलके बनाओ। ओके, हेल्प करूँगा। नहीं, दोनों मिलके बनाओ। हेल्प मतलब दोनों मिलके ही बनाना होता, दोनों मिलके अभी बना दो, शाम तक जम जाएगा कैंडी। ओके, इंशाल्लाह नमाज के बाद कर देना, ठीक है? ठीक। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन रोस्ट। तो चिकन रोस्ट के लिए यहाँ पे देखें, चिकन को मैंने क्यूब्स में काट के ले लिया है, प्याज मैंने 3 ले लिया है, लहसुन और ग्रीन चिल्ली। और एक पैन में हम ऑयल गरम कर लेंगे, लहसुन को जो हमने चॉप करके लिया हुआ है वो थोड़ा फ्राई कर लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा ब्राउन होने तक हमें अच्छे से लहसुन को स्टर करते हुए पका लेना है। ब्राउन होने के बाद हम अनियन ऐड कर लेंगे, चॉप्ड अनियन। बहुत दिनों के बाद कोई रेसिपी आ रही है फ्रेंड्स, तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में इफ्तारी के टाइम पे बहुत ही टेस्टी और बढ़िया से बनेगी, और इतनी मेहनत भी नहीं लगेगी, ठीक है? और हम ऑनियन को ट्रांसलूसेंट होने तक हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फटाफट से बन जाएगा फ्रेंड्स, कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी नहीं है। ये देखें, ग्रीन चिल्लीज मैंने 5 लिए थे, आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा ग्रीन चिल्लीज। ग्रीन चिल्लीज को भी अच्छे से स्टर कर लेंगे। फटाफट से बन जाएगा, और कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और ये हम यहाँ पे चॉप्ड हमारा जो चिकन है क्यूब्स में हम काट लिए हुए हैं चिकन को, तो स्मॉल क्यूब्स। ओके, तो अच्छे से हम स्टर कर लेंगे इसको भी। वाटर ऐड नहीं करेंगे फ्रेंड्स, वाटर अपने आप इसमें छूटना स्टार्ट हो जाएगा जैसे चिकन पकना स्टार्ट होगा। देखें, पानी भी छूटना स्टार्ट हो चुका है। तकरीबन 10-15 मिनट्स में ये स्लो फ्लेम पे हम रख देंगे, तो इस तरह से पानी छूट जाएगा। तो उसी पानी में हमको पकाना है, कोई एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं करना है। तो यहाँ देखें, 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट मैं ऐड कर रही हूँ, आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा। गरम मसाला 1 टेबलस्पून,
चिकन मसाला 1 टेबल स्पून, चाट मसाला थोड़ा बहुत ही 1/2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऐड किया हुआ है, और ये ज़ीरा पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। ओके, और ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है, सिर्फ इतनी ही है। तो इसी में हम उसी जो वाटर है उसी में हम अच्छे से स्टर कर लेंगे चिकन को, देख सकते हैं आप, अच्छे से हम भून लेंगे उसी में। थोड़ा फ्लेम हाई रख लीजिएगा फ्रेंड्स, और थोड़ा हम जायके के लिए ब्लैक सॉल्ट यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 1/2 टीस्पून। ओके, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से स्टर कर लेंगे फ्रेंड्स, और थोड़ा हम स्लरी बना लेंगे। कॉर्नस्टार्च 1 टेबल स्पून डाल के वाटर मिला के स्लरी बना के हम इसमें ऐड कर लेंगे, ताकि जो हमारा चिकन है अच्छे से बाइंड हो जाए, रोल्स कोई वेट ना हो, इसीलिए हमें स्लरी बना के मिक्स करना होगा, पकाना होगा डाल के। थोड़ा 2 मिनट्स हाई फ्लेम पे हम चिकन को अच्छे से भून लेंगे, ताकि जितना भी वाटर कंटेंट है वो ड्राई हो जाए। ओके, और ये हमारा चिकन बनके रेडी है। ये देखें, मैंने यहाँ पे मैदा ऑलरेडी भिगो के रखा हुआ था, डो हॉट वाटर और तेल में, थोड़ा हॉट वाटर नहीं, गुनगुने गर्म पानी में हम आटे को अच्छे से भून के हम ले लेंगे। थोड़ा तेल डाल लें और इस तरह से सॉफ्ट सा हमारा डो बन के रेडी हो जाएगा। 1/2 आवर हमको रख देना होगा। तो रोल आउट कर लेंगे हम, रैप बना लेंगे इस तरह से, और मिडिल में हम रख देंगे स्टफिंग, चिकन स्टफिंग हमारा। और पहले हम जो कॉर्नर्स हैं ना फ्रेंड्स, वो पहले क्लोज कर लेंगे, फिर रोल आउट कर लेंगे, रैप बना लेंगे। ओके, और जो एंड होगा उसे थोड़ा सा पानी से हम डैप करके, इस तरह से हमारे रोल्स बनके तैयार हो जाएंगे, फटाफट से बन जाएंगे, कोई ज़्यादा मेहनत वगैरह नहीं है। तो फटाफट से इफ्तारी में हमारे ये रोल्स बनके तैयार हो जाएंगे। हम अभी डीप फ्राई करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा चेक कर लें, और सारे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ऑयल में। जल्दी फ्राई होके तैयार हो जाएंगे। मोटा ना रखें अपना रैप ना फ्रेंड्स, मोटा ना रखें, वरना वो टेस्ट नहीं आएगा। थोड़ा पतला ही हमारा रैप होना चाहिए, क्रिस्पी और टेस्टी, बहुत ही बढ़िया बनते हैं ये वाले रोल्स। देखें माशाल्लाह बनके तैयार हैं। तो हम अभी ज़रूर ये वाले रोल्स ट्राई कीजिएगा और मेरे को बताइएगा कमेंट्स में। तो हमारी इफ्तारी बनके तैयार है, देख सकते हो आप, दस्तरखान भी लग चुका है। अभी जो हमने रोज बनाया है ना, इसके रिव्यू देने के लिए तीनों यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो लेट्स सी कि इनके रिव्यूज़ क्या होते हैं। तो कैसा लगा आप सबको, बोलिए। टेस्टी है, जानुशी सब तो फ्रेंड्स, इफ्तारी के बाद ना हम थोड़ा ऐसे ही टेंशन में आ चुके हैं। तो कोई शॉपिंग वगैरह हमें करनी थी बच्चों के लिए, रमज़ान की शॉपिंग, तो हम आ चुके हैं इधर। यहाँ पे बहुत बढ़िया कलेक्शन भी है, बहुत अच्छे हैं कपड़े, पसंद आए कितने सारे कपड़े हो। अल्लाह, बहुत बढ़िया कलेक्शन है यहाँ पे माशाल्लाह, समर के लिए बहुत बढ़िया कलेक्शन आया हुआ है। तो शॉपिंग करते करते बहुत देर हो गई, जानेशिन की अभी शॉपिंग चल रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या शॉपिंग किया है।